Hello, good morning students, class 8. We were studying the chapter comparing quantities. Comparing quantities में मैंने आपको बताया था कि दो quantities को हम तभी compare कर सकते हैं जब उनकी क्या हो unit same हो, right? The unit should be same for comparing the two quantities. उन्हीं दो quantities को हम compare करते हैं जिनकी unit क्या होती है same होती है. जैसे height को हम height से compare कर सकते हैं because the height is either in centimeter or in meter, right? Weight को weight से ही compare कर सकते हैं क्योंकि weight ये जो है या तो kg में होगा या तो gram में होगा, right? अगर kg और gram दो अलग-अलग unit हैं, तो first of all we have to convert them either into grams or in kg, right? वैसे ही यहाँ पे मैंने आपको exercise 8.1 के कुछ questions लिए हैं. देखिए, वो find the ratio of short में लिखा है मैंने 15 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर. मींस वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. देखिए 15 किलोमीटर पर आवर रेशियो 30 किलोमीटर पर आवर, राइट? किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाता है और 15 टू 30 1:2 इसका आंसर आ जाता है, राइट? Therefore, the ratio of 15 kilometer to 30 kilometer is 1:2. Always remember that the ratio does not have any unit. Ratio की कोई unit नहीं होती है. आप ऐसा मत लिखिए कि 1:2 kilometer per hour. No, kilometer per hour से kilometer per hour cancel हो गया है, तो इसका मतलब आप इसकी कोई भी unit नहीं है. ये केवल एक क्या है, ratio है. Ratio को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, right? This is 1:2. The second question B part is 5 meter to 10 kilometer. अब देखिए ये meter और kilometer है, right? तो दोनों distance है. इसमें हम इनको क्या कर सकते हैं, compare कर सकते हैं, इनका ratio find out कर सकते हैं. कैसे करेंगे? First of all we have to convert this kilometer into meter. 5 meter है, तो 5 meter को तो 5 meter ही रहने दिया हमने. Ratio 10 kilometer. 10 kilometer को मैं meter में convert कर रहा हूँ. 1 kilometer is equal to कितना meter होता है? 1000 मीटर, राइट? सो 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 10000 मीटर, राइट? 10 किलोमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर में चेंज कर दिया है. तो 5 मीटर टू 10000 मीटर, इट बिकम्स मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है और 5 × 5 = 10000. इट मींस दिस इज 1:2000. 1:2000 is the ratio of 5 meter to 10 kilometer, right? इस प्रकार से आप ratio निकालें. तीसरा है 50 पैसे to 5 rupees. अब देखिए 50 पैसे तो पैसे में है, ठीक है, but what we have to do, we have to convert this rupees into paisa. Means 5 rupees, you better know 1 rupee contain how many paise? 100 paise. It means 5 rupees will contain how many paise? 500 पैसे, राइट? अब इसको कन्वर्ट कर, पैसे से पैसे कैंसिल हो जाता है. 50 × 50 = 10500, दैट इट द रेशियो बिकम्स 1:10. दिस इज द रेशियो ऑफ थर्ड, राइट? दैट इज 50 पैसे टू रुपीस 5, इसका रेशियो हो गया 1:10. तो इस प्रकार से रेशियो आप फाइंड आउट करते हैं, राइट? इस प्रकार के अदर क्वेश्चंस भी हैं आपकी बुक में और इनको कीजिए, और आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछिए. थैंक यू वेरी मच.